What's up guys, Danish here from DB Talks. Welcome back to the channel and to the second part of this CV Clinic or Resume Clinics video. तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो इसको पॉज करो और प्लीज़ फर्स्ट पार्ट जाके एक बार देखो एंड देन रिज्यूम दिस वन. उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको एक सिस्टमैटिक फैशन में चीज़ें फॉलो करना बहुत ज़रूरी है. पता चले आप CV एंड टू एंड अपना बना के बैठ गए हो मगर आपके फंडामेंटल्स और बेसिक्स या जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है वो ही क्लियर नहीं है, तो लाइक इट विल बी ऑफ नो गुड यूज़. तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि एक बार आप पहले वो वाली वीडियो देखो एंड देन कम बैक टू दिस वन. बाकी फॉर्मेट एक्जैक्टली सेम है. आज की वीडियो में भी आपके साथ तीन ऐसे पॉइंट्स में डिस्कस करने वाला हूँ जस्ट लाइक द प्रीवियस वन, जो कि आपके CV की ओवरऑल क्वालिटी इंप्रूव करेंगे एंड इट विल हेल्प यू लैंड अ जॉब क्विकर. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क नहीं किया है या डाउनलोड नहीं किया है प्लीज़ टेक द टाइम टू डू दैट, क्योंकि ये आप ही के लिए एक वन स्टॉप शॉप क्रिएट हो रही है जिसमें लाइक अगर आप कभी भी अपना CV चेंज कर रहे हो या नए सिरे से बना रहे हो तो आपको एक ही जगह आना है. यू मेक श्योर यू फॉलो द वीडियोज इन सिस्टमैटिक ऑर्डर एंड यू आर डन. तो मेक श्योर यू बुकमार्क दिस प्लेलिस्ट एंड देन यू कैन वॉच द सेकेंड पार्ट अगेन. तो विद दैट राइट ऑफ द वे लेट्स गेट इनटू द पार्ट नंबर वन. पहला पार्ट ये है कि आपके CV की लेंथ, यानी कि आप ओवरऑल कितने पेजेस अपने यूज़ कर रहे हो, राइट. अब आपने बहुत जगह ब्लॉग्स पे या यूट्यूब वीडियोस में या अलग अलग जगह पे ये भी देखा होगा, या अगर कोई आपका HR फ्रेंड है आप उससे भी अगर आपने पूछा हो तो उसने भी बताया होगा कि एक CV पढ़ने में किसी भी HR मैनेजर को लाइक ही और शी ओनली स्पेंड्स 30 seconds टू 45 seconds, दैट्स इट. अब मेरे पास जो CV आए हैं उनमें से कुछ CV ऐसे हैं जो 4 पेज के हैं, 5 पेज के हैं. अब मुझे आप खुद बताओ, आप 5 पेज का अगर आप CV किसी HR मैनेजर को दे रहे हो, राइट, तो 30 seconds टू 45 seconds में आप खुद मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि वो आपका सारे प्रोजेक्ट्स, स्किल सेट, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, ये सारी की सारी चीज़ें जज कर लेगा कि आपकी रेलेवेंसी कितनी है उस कंपनी के लिए, क्या चीज़ें हैं जो आप टेबल पर लेके आ रहे हो. आप मुझे खुद बताओ, वो जज कर लेगा 30 to 45 seconds के बीच में? नहीं, राइट. तो आपको अपना CV एक रिस्ट्रिक्टिव फैशन में रखना पड़ेगा जो कि 1 पेज या 2 पेज के अंदर अंदर ही हो. गोल्डन रूल ये है कि अगर आपको 5 साल या 6 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कोशिश करो एक ही पेज में अपना CV बनाओ, राइट. उस पेज में आपको क्वालिटी लाइंस यूज़ करनी है, नॉट क्वांटिटी लाइंस. आप ऐसा नहीं चाहोगे कि एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप 50 लाइंस डाल रहे हो. आप 5 लाइंस डालो लेकिन एक लाइन में लाइक 10-10 लाइंस का मीनिंग होना चाहिए. वो कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना. तो आपको अपना CV एक कट डाउन ज़रूर करना है. 5 पेज का तो डेफिनेटली नहीं बनाना. अगर आपके पास 9 साल 8 साल 10 साल 11 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कोशिश कर सकते हो कि आपका पेज जो है वो सेकंड पेज पे एक बार चला जाए. आपका CV 2 पेज का मैक्सिमम अगर हो तो चल जाएगा. 5 साल 6 साल तक 1 पेज, उससे ऊपर अगर चला जाता है 9, 10, 11 साल तो 2 पेज, दैट्स इट. 3 पेज तो आपका मेरे हिसाब से जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है ना. तो आप कोशिश करो 1 to 2 पेज के अंदर ही रहो. तो सेकंड पॉइंट आता है वाइट स्पेसेस, मैनेजिंग द वाइट स्पेसेस. अब वाइट स्पेसेस क्या होते हैं? अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे CVs में अगर आपने इंटरनेट से CV डाउनलोड किया है या किसी CV बुक से डाउनलोड किया है, अगर आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने आपको कोई CV दिया है या आपने अपने किसी फ्रेंड से अपना रेज्यूमे मांगा है, तो बहुत सारे CV में कॉमन पैटर्न आपने नोट किया होगा वो ये है कि जो पेज होता है उसके सॉर्ट ऑफ मिडल में सारी चीज़ें लिखी होती हैं. मैनेज्ड अ टीम, लेड अ प्रोजेक्ट, डिड दिस, ऑर्केस्ट्रेटेड दिस, ब्ला 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 ब्ला. तो लेफ्ट साइड वाली पूरी स्पेस ब्लैंक होती है, राइट साइड वाली पूरी स्पेस ब्लैंक होती है. ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लो आपने अपना नेम वगैरह डाल दिया और इस साइड पे आपने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह डाल दिया एंड दैट्स इट. बहुत सारी स्पेस जो होती है वो ब्लैंक होती है, तो आप ऐसा नहीं चाहोगे, राइट. जब भी आप अपना CV कट डाउन कर रहे हो, जैसे कि हमने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया, तो यू वुड वॉन्ट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ वॉट यू हैव, राइट. अगर आपके पास 1 पेज है तो आप मैक्स टू मैक्स उसका यूज़ करना चाहोगे. तो आपकी मर्जी है, जो वाइट स्पेस है उसमें आप स्किल सेट डालो. आपकी मर्जी है, जो आपकी राइट साइड में अगर वाइट स्पेस कुछ बाकी है तो आप उसमें अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ज़्यादा डालो. ऑब्वियसली अननेसेसरी डिटेल्स नहीं डालनी, रेलेवेंट चीज़ें डालनी है, लेकिन आपको वाइट स्पेसेस कम से कम रखनी है, राइट. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप अपना CV बना रहे हो और आपको एक ही पेज में सब कुछ स्क्वॉश डाउन करना है तो आप एक्स्ट्रा ही भर दो, राइट. कि अगर रिक्रूटर पढ़ रहा है या HR मैनेजर पढ़ रहा है तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, एक पेज पे वाइट स्पेसेस ही नहीं है, तो ऐसा भी नहीं करना. एक स्वीट स्पॉट होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए इसका. अगर मैं आपको शॉर्ट में एक मीनिंग समझाऊं, आप बेसिकली अपने आप को ही एज HR मैनेजर मान के चलो और आप जब फाइनली अपना CV बना लेते हो
तो एक बार आप खुद देखो कि आप प्रॉपर ढंग से पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे, राइट? अगर आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, यू नो 30 to 45 seconds के अंदर आप अपना पूरा CV पढ़ पा रहे हो, इट्स गुड, दैट्स इट। उसके बाद चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो वाइट स्पेसेस कितने रखने हैं कितने नहीं, एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस आपके CV में होना चाहिए। अब थर्ड एंड फाइनल पॉइंट आता है, वो है क्रोनोलॉजी का। अब मेरे पास जितने पर्सनली CV आए उसमें से कुछ लोग सिर्फ ऐसे हैं जिन्होंने क्रोनोलॉजी में थोड़ी सी गड़बड़ करी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं करी, विच इज़ अ गुड थिंग। क्रोनोलॉजी क्या होता है कि आपको एक ऑर्डर मेंटेन करना होता है अपने CV में हमेशा, लाइक इट्स अ फिक्स रूल, वो आपको करना ही करना है नो मैटर वॉट। अब फॉर एग्जाम्पल जो आपकी यू नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है या जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस है, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में डालना स्टार्ट किया। फॉर एग्जाम्पल कि आपने यू नो अपनी करियर की जर्नी एज अ इंटर्न स्टार्ट करी, देन आप एक ग्रेजुएट जॉब पे लगे, देन आप सॉफ्टवेयर डेवलपर लगे, देन आप सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर लगे। तो कुछ लोगों ने अपना यू नो CV बनाया ही ऐसे हुआ है कि सबसे पहले उन्होंने इंटर्न लिखा हुआ है कि आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप, सेकेंड नंबर पर उन्होंने लिखा कि आई वॉज अ ग्रेजुएट, थर्ड नंबर पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फोर्थ नंबर पर सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, विच इज़ रॉन्ग। आपको असेंडिंग ऑर्डर में नहीं डालना, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो मोस्ट रेलेवेंट आपका वर्क एक्सपीरियंस सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद सेकंड मोस्ट रेलेवेंट, देन थर्ड मोस्ट रेलेवेंट। बेसिकली आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि जैसे जैसे आप यू नो पेज के नीचे जाते जा रहे हो, वैसे वैसे आपकी रेलेवेंसी थोड़ी सी कम होती जा रही है इन रिलेशन टू योर वर्क एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली सेम पैटर्न आपने फॉलो करना है अपनी एजुकेशन को लेके। तो आप ऐसे मत डालना कि आपने ग्रेजुएशन करी है वो नंबर वन पे दिखा रहे हो, एंड देन आप अपने मास्टर्स दिखा रहे हो, देन आप अपनी पीजी ये दिखा रहे हो, अपनी PhD वगैरह दिखा रहे हो या पोस्ट डॉक दिखा रहे हो। इसको अदर वे अराउंड करो, सबसे पहले आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जैसे PhD, देन आपकी उससे नीचे वाली क्वालिफिकेशन यानी कि मास्टर्स, देन उससे नीचे वाली क्वालिफिकेशन यानी कि बैचलर्स। वैसे आपको बैचलर्स इसके बाद दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बट यू गेट द आइडिया। सेम चीज़ आप अपने स्किल सेट में करना। अगर आपने कोई रिसेंटली अपना सर्टिफिकेशन किया है, मान लो हडूप का सर्टिफिकेशन अभी जस्ट आपने 20-25 दिन पहले किया है, सबसे पहले आप वो दिखाओ। उसके बाद आप सेकंड नंबर पे अपना वो सर्टिफिकेशन दिखा सकते हो जो आपने इससे पहले किया, जैसे मान लो AWS का, तो सबसे पहले हडूप का सर्टिफिकेशन दिखाया, उसके बाद AWS का दिखाया, उसके बाद मान लो आपने जावा का OCJP दिखाया, उसके बाद आपने कुछ और दिखाया, देन कुछ और दिखाया, सो ऑन। और आप इसको मिक्स मत करना, राइट? एक वन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेरी तरफ से ये रहेगी कि आप इसको मिक्स मत करना कि आपने अपना वर्क एक्स तो आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखा दिया, स्किल सेट आप असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहे हो, एंड अपना यू नो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप असेंडिंग ऑर्डर में दिखा रहे हो। नो, दिस इज रॉन्ग। आपको सारी की सारी चीज़ें जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है, असेंडिंग ऑर्डर फॉलो ही नहीं करना। दैट्स इट, लाइक एंड ऑफ मैं बोलूँगा एक तरीके से थिंकिंग इस चीज़ में। आपको असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो ही नहीं करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना हमेशा, ठीक है ना? क्या पता कि अगर कोई HR मान लो नीचे तक जाए ही ना, वो ऊपर आपका फर्स्ट हाफ, एक पेज का फर्स्ट हाफ CV पढ़े एंड वो उसी में ही सेटिस्फाई हो जाए। आप ज़बरदस्ती नीचे की चीज़ें नहीं दिखाना चाहोगे, राइट? और अगर नीचे वाले पेज में आपकी यू नो मोस्ट रिसेंट क्वालिफिकेशंस होंगी, तो आप बेसिकली HR मैनेजर को ये कह रहे हो कि यार तुम मिस कर जा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने डेफिनेटली फॉलो करनी है। बाकी बस एक फाइनल नोट वीडियो क्लोज करने से पहले ये है कि आपको जब भी आप अपना CV बना रहे हो या चेंज कर रहे हो, आपको हमेशा अपनी CV की क्वालिटी के बारे में सोचना है, क्वांटिटी के बारे में नहीं सोचना कि मैं 5 CV दे दूंगा या 10 CVs डाल दूंगा, ऐसा नहीं सोचना, क्वालिटी के बारे में सोचना है। मेरी तरफ से अगर आपको ये वीडियो दोबारा देखनी पड़ जाती है, आप दोबारा देखो, आराम आराम से देखो और साथ में अपना CV गो थ्रू करते रहो, ठीक है ना? जो चीज़ें नहीं है ऐड ऑन करो, जो चीज़ें हैं एक्सक्लूड कर दो अभी फिलहाल के लिए। बाकी इसीलिए मैंने आपको फर्स्ट प्लेस में बोला था कि आप ये वाली प्लेलिस्ट जो है एज अ बुकमार्क करके अपने पास हमेशा सेव करके रखो। बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इस वीडियो में हमने यही 3 चीज़ें डिस्कस करी थी, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो मेक श्योर यू आर अप टू डेट ऑन दैट एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड। और थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच द वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।